वेलकम टू माई चैनल क्रिएशंस। तो आप सब कैसे हो गाइस? आज मैं आपको झाल मुरी बनाना बताऊंगी, जो कि बंगाली स्टाइल में और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनता है और इसे बहुत ईजिली अपने घर पर बना सकते हो। तो चलिए गाइस, इसे मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में रिफाइंड तेल डाल रही हूँ हल्का सा, क्योंकि थोड़े कुरकुरेपन के लिए मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ मुरी को। इसमें मैं थोड़ा सा कटे हुए हरी मिर्च डालूँगी और इसको भी मैं रेड होने तक फ्राई करूँगी। फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें जो है मूंगफली डाल रही हूँ। मूंगफली को भी हल्का फ्राई होने से मैं इसमें हल्का सा नमक टेस्ट के अनुसार, और इन सबको मिला के मैं अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। फ्राई हो जाने के बाद ये मुरही जो मैंने रख लिया था, उसको मुरही को भी अब थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी। इससे थोड़े से कुरकुरे होते हैं और खाने में बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगते हैं। तो अगर जब भी आप बनाओ तो मुरही को थोड़ा सा फ्राई कर दो। और इसमें अब मैं थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। इसको मैं ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस हल्का ही फ्राई करना। तो देखिए मेरा फ्राई हो चुका है, मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। उसका उसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज, मैंने कुछ चिप्स के पापड़ के वो रख लिए थे, वो भी डाल दिए थे। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शनल है। और मैंने इसमें आम के अचार के थोड़ा सा ऑयल मिलाया था, मस्टर्ड ऑयल, और आम का अचार भी, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। अब मैं इसमें जो है नमकीन मिला रही हूँ, आपके पास जो भी नमकीन हो उसको मिला सकते हो। और अब इन सबको मैं अच्छे से मिला दूँगी। तो देखिए गाइस, ये मेरा मुरी झाल मुरी बनके बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको रिक्वेस्ट होगी तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग।